आज सत्येंद्र जैन जी के यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और टीवी के अंदर न्यूज़ चल रही है कि सत्येंद्र जैन के यहाँ सीबीआई की रेड, अरविंद केजरीवाल के नंबर दो के मंत्री के यहाँ छापा। इसके बारे में एक कहानी सीबीआई की तरफ से लगातार प्रोपोगेट की जा रही है और जो उनके आरोप हैं, सीबीआई ने जो पूरे के पूरे आरोप लगाए हैं उसके बारे में पार्टी का ये मानना है कि जिस तरीके की चार्जशीट की तरफ सीबीआई बढ़ रही है उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जो पूरी की पूरी कहानी है सीबीआई की, इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति और वस्तु के साथ अगर सामान्यता पाई जाती है तो ये मात्र संयोग है। सीबीआई की जो आरोप हैं, भाजपा सरकार की दो एजेंसीज इनकम टैक्स और सीबीआई जो बार बार जिस कहानी को बढ़ा रहे हैं उस कहानी के अंदर दो पात्र हैं, संजय और सुरेश। सीबीआई कहती है कि संजय और सुरेश 2010 से सत्येंद्र जैन के लिए काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं और यही वो दो लोग हैं जो कलकत्ता के हवाला कारोबारियों के साथ संपर्क में हैं और सत्येंद्र जैन का पैसा हवाला के थ्रू ट्रांजैक्ट करते हैं। हमारा ये मानना है कि सुरेश और संजय ये दोनों व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों व्यक्ति काल्पनिक हैं, सिर्फ इनको प्लांट किया गया है। सत्येंद्र जैन ने बार बार भाजपा की एजेंसियों को कहा कि आप इन दोनों लोगों को मेरे सामने लाइए, अभी तक इन लोगों को उनके सामने नहीं लाया गया। एक नंबर का जिक्र किया जाता है, लैंडलाइन नंबर का, 011-273-14231। भाजपा सरकार की एजेंसियों का कहना है कि ये दोनों शख्स सुरेश और संजय इस लैंडलाइन से 2010 से लेकर 2016 तक कलकत्ता में हवाला कारोबारियों को फोन करते थे और हवाला से पैसा भेजते थे। दो मजेदार बात है इस नंबर के बारे में। पहली बात तो ये कि 2014 से ये नंबर बंद है, तो ये कैसे हो सकता है कि 2014 से 2016 तक कोई दो लोग जो काल्पनिक लोग हैं वो इस नंबर से हवाले के ट्रांजैक्शन करते थे। और दूसरी मजेदार बात यह है कि जब से फोन नंबर लगा है, ये लैंडलाइन लगी है, इसके अंदर एसटीडी की कोई सुविधा ही नहीं है, इससे सिर्फ आप लोकल कॉल कर सकते हैं। तो ये भी सीबीआई समझा सकती है या मोदी जी की एजेंसी समझा सकती है, भाजपा की एजेंसी समझा सकती है कि कैसे ऐसा हो रहा था कि एक लैंडलाइन नंबर जिसके अंदर एसटीडी की फैसिलिटी नहीं है उससे कलकत्ता के हवाला कारोबारियों से बातचीत करी जा रही थी। एक और बात जो बार बार भाजपा का आयकर विभाग कह रहा है वो ये है कि चार लोगों ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ गवाही दी है। आम तौर पे इस तरह की गवाहियों में एक्यूज को एक दूसरे से कन्फ्रंट कराया जाता है। सत्येंद्र जैन के कहने पे जब एक एक्यूज को, जो इसके अंदर बबलू पाठक हैं या जिन्होंने गवाही दी है, उनको इनसे कन्फ्रंट कराया गया तो 5 मिनट में बबलू पाठक ने मान लिया कि उनका सत्येंद्र जैन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद से सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि बाकी तीन लोगों की जो गवाही आप बोल रहे हैं, आपने दबाव में ली है या झूठी गवाहियां ली हैं, उन लोगों को मेरे सामने सामने लाइए। मगर आयकर विभाग ने लिखित में कहा है कि हम इस तरह से इन लोगों को आपके सामने सामने नहीं लाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि सीबीआई की जो पूरी की पूरी कहानी है, इसके अंदर जो भी पात्र हैं, जो भी घटनाएं हैं जिनका जिक्र किया गया है, वो सभी की सभी काल्पनिक हैं और उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।